ज्ञान पाठ का पहला पाठ कल हमने फसल उत्पादन के बारे में पढ़ा था। फसल किसे कहते हैं, फसल कितने प्रकार की होती है और किसान किस प्रकार से फसल होता है। उसमें सबसे पहला कार्य वो करता है मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को गोली बनाने का कार्य करता है। उसके बाद में वह बुआई का कार्य करता है। बुआई के बाद किसान बुआई करने में स्वस्थ बीजों का प्रयोग करता है। स्वस्थ बीज कौन से होते हैं, जो वे बीज जो वो पानी के अंदर बो करके देखता है, कुछ बोले बीज होते हैं उनको हटा देता है और जो स्वस्थ बीज होते हैं उनको बुआई करने के काम में देता है। और वो बुआई करते समय बीजों का ये ध्यान रखता है कि एक साथ एक जगह हम अगर बीजों को बोलेंगे तो पूरे पौधे को पोषण तत्व नहीं मिलेंगे, इसलिए वह थोड़ी थोड़ी निश्चित दूरी में बीजों को बोता है। बीज दो प्रकार दो तरीके से होते हैं, एक पारंपरिक तरीका और एक आधुनिक तरीका। उसमें परंपरागत औजार खुरपी के द्वारा थोड़ी थोड़ी दूरी में खोद करके मिट्टी को फिर बीजों को डालता है ताकि सभी पौधे एक साथ ढंग से वृद्धि कर सके। और दूसरा होता है सीड ड्रिल तरीका, ये आधुनिक तरीका है। मशीन के द्वारा ट्रैक्टर के पीछे सीड ड्रिल मशीन लगी हुई होती है, उसमें वो बीज डालता है और उसमें निश्चित दूरी पे अपने आप बीज देते जाते हैं। ये तरीका जल्दी हो जाता है, इसके आजकल किसान सीड ड्रिल तरीके से बीजों को बोता है। उसके बाद तीसरा होता है खाद व उर्वरक मिलाना। जब वो मिट्टी तैयार हो जाती है बीज को बो देता है उसके बाद में उसमें वह खाद डालने का काम करता है। खाद दो प्रकार की डालता है, एक तो रासायनिक खाद और एक होती है परंपरागत खाद। जैसे कि गोबर, गोबर मिट्टी के अंदर मिलाता है, वह पुराना तरीका होता है। आजकल जो नए तरीका डालने लगे हैं वो होता है रासायनिक तरीका जिसको हम उर्वरक कहते हैं। पेय पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, मिट्टी को पोषक बनाने के लिए जो पदार्थ उसमें मिलाए जाते हैं जैसे गोबर मिलाया जाता है उन्हें खाद व उर्वरक कहते हैं। यह पोषक मिट्टी में वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह पौधों में वृद्धि के लिए क्या होते हैं आवश्यक है, उसमें पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे को वृद्धि करने में सहायक। उर्वरक किसे कहते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया अमोनियम सल्फेट पोटाश आदि। इनके उपयोग से किसानों को फसलों की अच्छी उपज प्राप्त होती है। कई बार ये प्रश्न भी आता है खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, तो खाद तो पुराना पारंपरिक तरीका है और उर्वरक रासायनिक तरीका है जो कि फैक्ट्रियों में निर्माण किया जाता है। खाद को हम ऐसे किसान गोबर के द्वारा या पेड़ पौधों को सड़ा गला करके जो खाद बनाई जाती है उसको हम कहते हैं खाद, और उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया अमोनियम सल्फेट आदि। आजकल किसान यूरिया अमोनियम सल्फेट और पोटाश का उपयोग अधिक करता है। चौथे नंबर पर आता है सिंचाई। सिंचाई हम पेड़ पौधों के लिए सबको पता है जल की आवश्यकता होती है, जल की कमी के कारण पेड़ उगता नहीं है, इसलिए हम सिंचाई किसान सिंचाई करता है। पौधों की वृद्धि के लिए जल का विशेष महत्व है, बीजों के लिए जल का विशेष महत्व होता है। क्योंकि घरों में देखते हैं अपने कभी हम मूंग चने और ये उगाते हैं, अगर हम ज़्यादा पानी के अंदर उसको उगाते हैं तो उससे नहीं है बीज सड़ जाते हैं। और दूसरा तरीका जब हम बीजों को मूंग और चने को थोड़ा सा छान करके पानी निकाल करके फिर कपड़े में नमी दे करके बांध के रखते हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं, और हम पूरा सुखा करके भी डालते हैं तो फिर वो अंकुरित नहीं होते हैं और बीज सूख जाते हैं। तो इसके लिए हमारे को क्या है, पौधों में वृद्धि के लिए सिद्धित होता है कि पौधों में वृद्धि के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं, जड़ों के द्वारा क्या करते हैं वो जल को अवशोषित करते हैं और पौधों के विभिन्न भागों तक जल पहुंचाने का कार्य करते हैं, क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम पूरा सुखा देंगे मूंग और चने को तो वो अंकुरित नहीं होंगे, उनको अंकुरित होने के लिए क्या होगा थोड़ा सा नमी की जरूरत पड़ती है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई किसे कहते हैं, निश्चित अंतराल पर निश्चित, अगर हम ज़्यादा पानी दे देंगे तो भी बीज खराब हो जाएंगे ऊपर आ जाएंगे और वो सड़ जाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं उसमें निश्चित अंतराल पर जैसे आज पानी दे दिया फिर दो दिन बाद देंगे तो निश्चित अंतराल पर अगर हम पानी देते हैं तो क्या कहलाता है सिंचाई कहलाती है। और सिंचाई को प्रमुख स्रोत क्या है, कुएं नलकूप तालाब नहर आदि। पहले कुएं नलकूप तालाब और नहर के द्वारा सिंचाई की जाती थी, किसान उसमें से पानी लेकर के और अपने खेत में पानी डालता था जिससे कि उसको समय अधिक लगता था। आजकल सिंचाई दो तरीके से की जाती है, अब पारंपरिक तरीका और आधुनिक तरीका।
एक तंत्र जिससे कि एक किसान किसान बाइक से जुड़ा हुआ होता है, सॉरी किसान बाइक से